सरकार में लाभ का पद मंत्री पद पाने के लिए जुगाड़ में लगे रहते हैं। जो लोग वोट देकर उनको चुनते हैं उसकी किसी को भी कोई चिंता नहीं होती। जान पूछ के जो, क्योंकि सफर है लंबा, महिलाओं को कम बुलाता हूं मैं, लेकिन पीछे आप देखो तो महिलाओं का पूरा जोश होता था, तो चलने की वो उसकी वजह से, क्योंकि चलना रोज का 30 किलोमीटर के करीब एवरेज आ रही है। बल्ला जी, जन जागृति यात्रा का मकसद क्या है? इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करना, युवाओं की भागीदारी राजनीति में करना, प्रदेश की बदहाल हो चुकी हालात हर वर्ग, आज युवा की बात करें वो इतना निराश और हताश हो चुका है कि उसको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। किसान बदहाल है, आज कर्मचारी खिलाड़ी सरपंच सब सड़कों पे, बुजुर्ग आदमी की पेंशन काटी जा रही बुजुर्गों की, और प्रदेश का गरीब खास राशन कार्ड कट रहे की से परेशान, आज हर वर्ग इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है प्रदेश की नीतियों की वजह, सरकार की नीतियों की वजह से माहौल ऐसा है, अपराध चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, लूट और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांग दी है, बेरोजगारी में अपराध में प्रदेश देश में नंबर वन हो गया। तो ये ऐसे हालात बन गए हैं, प्रदेश आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है प्रदेश में, ये पोर्टल की सरकार बन के रह गई है, हर चीज पोर्टल पोर्टल चलते नहीं, लोग लेके खड़े रहते हैं कागज, लाइन में लगे रहते हैं। तो प्रदेश की बदहाली को लेकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य लेकर ये जन जागृति यात्रा निकाल। तो कहीं ना कहीं कुंडू साहब, कदमों की ताल से मापते हुए पूरे हरियाणा में जो जनसेवक मंच है उसका एक जो प्रचार है वो करना है। बिल्कुल, आज मैं प्रचार कर रहा हूँ लोगों को जगाने का, सरकार की गलत नीतियों का। आज पूरा प्रदेश, मैं नांगल चौधरी से चल के आज कैथल क्रॉस कर लिया, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट तहसील हेडक्वार्टर पे किसान बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, कहीं सरसों की फसल बर्बाद हो गई उसको लेकर, कहीं जल भराव को लेकर, कहीं गन्ने के भाव को लेकर, कहीं और जो कपास की फसल जो पीछे खराब हुई है उसके लेकर, आज ये आलम है हर वर्ग आज सड़कों पे है। सरकार की नीतियों के कुल जनता को जागरूक करने के लिए और युवाओं को, जो गरीब किसान मजदूर का बेटा हो बेटा बेटी, उनको तैयार करके इस राजनीति में लेके आना, क्योंकि राजनीति आज पार्टियों ने ऐसा माहौल बना दिया, या तो पार्टी के नेताओं के गुलाम या टिकट पैसे में खरीद कर टिकट लेके आने वाले लोग, जिन्होंने इस राजनीति को एक बिजनेस बना दिया है, जो लूट के लिए अपने घर भरने के लिए सरकार में लाभ का पद मंत्री पद पाने के लिए जुगाड़ में लगे रहते हैं, जो लोग वोट देकर उनको चुनते हैं उसकी किसी को भी कोई चिंता नहीं होती। इसको, इस सिस्टम को बदलने के लिए जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है ना हरियाणा के हालात नहीं सुधर सकते। तो कुंडू साहब, जैसा कि अगर यात्रा की बात करूं तो यात्रा में महिलाओं की संख्या बिल्कुल कम है, तो क्या राजनीति में महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा? देखिए, महिलाओं की संख्या कम नहीं आज आपको लग रही है? बिल्कुल, जैसा कि बलराज कुंडू जी की यात्रा लगातार चल रही है और लोगों का जो जन समर्थन है वो लगातार मिल रहा है। आज 17वां दिन है और 15वें दिन में बलराज कुंडू की जो यात्रा है वो कैथल प्रवेश की थी और आज 17वां दिन है जी। हमारा सवाल था कि महिलाओं की कितनी भागीदारी आपकी पार्टी में रहेगी? मैं जान पूछ के जो, क्योंकि सफर है लंबा, महिलाओं को कम बुलाता हूँ मैं, लेकिन पीछे आप देखो तो महिलाओं का पूरा जोश होता था, तो चलने की वो उसकी वजह से, क्योंकि चलना रोज का 30 किलोमीटर के करीब एवरेज आ रही है, तो उस वजह से महिलाओं को इसमें कम मिलाते हैं। 18 तारीख को देखना आप, पंचकुला में रैली करेंगे तब कितनी महिलाएं होंगी।
तो कुंडू साहब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता पहले चुनाव जीत चुके हैं, कहीं ना कहीं पार्टी से दरकिनार कर दिए गए हैं, अगर वो पार्टी में आपके साथ कदम से कदम मिलाना चाहे तो उनके लिए क्या स्थान रहेगा? देखिए, वो कंडीशन लगा के आएंगे तो कोई स्थान नहीं रहेगा। वैसे उनकी आत्मा अगर जन सेवा की भावनाओं से के प्रति वो होती है तो उनका आने का स्वागत है, लेकिन युवाओं का मेन जो हमारा फोकस है, पार्टी तो अभी बाद का निर्णय है, लोगों से बातचीत करके करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाने का मेन फोकस रहेगा। तो कैथल में कैसा जन समर्थन मिल रहा है? कैथल में बहुत जोश है, आपने देखो पीछे कल के मेरे प्रोग्राम जो थे केलरम के कलायत के, कितने जबरदस्त प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों का कितना हुजूम, एक जमावड़ा सब हो गया जो है ना स्वागत में, वेलकम में खड़ा है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।